हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम से खट्टा मीठा पापड़, जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको आप एक साल तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो काफ़ी आसान है इसको बनाना, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 कच्चा आम लिया है और ये वजन में लगभग 300 ग्राम है। तो सबसे पहले इसका छिलका हटा लेना है। तो सारे आम को यह आम छील लेंगे और यहाँ देखिए मैंने छील लिया है एक आम को, तो इन दोनों को भी छील लेंगे और इसके बाद हम इसको धो लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको छील कर धो कर ले लिया है। अब इसको हम काट लेंगे। तो इसका गुठलियाँ हम अलग कर लेते हैं और इसका जो गुदा है वो अलग कर लेते हैं। तो आपको अच्छे से इसका निकाल लेना है। और कच्चे आम में आप कोई भी आम ले सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसको सारा गुदा इसका निकाल लिया है। अब हम इसको कोई भी बर्तन में रखेंगे। इसको हमें बॉयल करना है। आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी 2 सीटी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी डाला है और इसको हम लगभग 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस पर इसको रख दिया है और इसको ढक करके लगभग 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम उबाल लेंगे, या फिर इसको तब तक आप उबाल लीजिए जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ देखिए 8 से 10 मिनट हो चुका है और देखिए आम देखिए कितना बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। आप इस तरह से मैश करके चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये उबल चुका है। और अब हमें क्या करना है, गैस को ऑफ करेंगे और इसको हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा पानी ज़्यादा दिख रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको हाई पे कर दिया है। 1 मिनट मैंने इसको हाई पे और थोड़ा सा उबाल लिया है, पानी थोड़ा कम हो गया। और हम इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ देखिए पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और इसके बाद इसमें पानी भी नहीं है, देख सकते हैं आप। अब हम इसको डालेंगे एक मिक्सर जार में और अच्छा स्मूथ इसको पीस लेना है। तो यहाँ हम सारा डाल देते हैं और अच्छा सा फाइन सा पेस्ट इसका बनाना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पीस लिया है और इसके बाद आप चाहे तो इसको बड़ी वाली छन्नी में छान सकते हैं, कोई रेसे वगैरह हो तो निकल जाएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता इसको छानने की कोई ज़रूरत है, काफ़ी बढ़िया तरह से पीस चुका है। अब हम डालेंगे इसको पैन में। तो यहाँ मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। वापस से गैस ऑन करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और वापस से इसको 2-3 मिनट हम पहले पकाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको 2-3 मिनट पका लिया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर जिससे थोड़ा सा तीखा लगे, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। तीनों चीज़ों को मिला देंगे अच्छे से और इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। यहाँ देखिए मैंने मिला लिया इसको। इसके बाद बारी आती है चीनी डालने की। और पकाते रहेंगे ताकि जल्दी से गाढ़ा भी हो जाए। तो यहाँ देखिए गाढ़ा भी काफ़ी हद तक हो गया है। मसाले के साथ इसको मैंने लगभग 3 से 4 मिनट और पका लिया है। अब यहाँ पर मैंने चीनी डाल दिया है। तो यहाँ मैंने 150 ग्राम चीनी लिया है। चीनी को मिला देंगे और चीनी भी अब देख सकते हैं आप मेल्ट हो चुका है, मेल्ट हो रहा है। चीनी के साथ इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये काफ़ी अच्छा गाढ़ा ना हो जाए। जो आप देख रहे हैं स्पैचुला, इसके ऊपर अच्छे से कोट ना होने लगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा अलग प्लेट में चेक भी कर सकते हैं।
तो जैसे एक ड्रॉप डालेंगे ना तो वो वहीं पे रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा लिक्विडी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको पकाना है। तो आप देख सकते हैं चीनी मैंने जैसे ही डाला है ना, जैसे ही चीनी मेल्ट हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी हो गया है। चीनी डालने के बाद लगभग आपको 5 से 6 मिनट तक इसको पकाना है, मतलब जब तक ये जमने लायक ना हो जाए। तो आपको पता कैसे चलेगा, तो देखिए इस तरह से जब आप करेंगे ना तो देख सकते हैं झाग जो बन रहा है ना, जैसे मैं हटा रही हूँ तो इससे आपको पता चल जाएगा। बाकी आप इस तरह से उठा करके भी चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो चुका है। गैस को ऑफ करेंगे हम, और यहाँ पर मैंने एक थाली को पहले से घी लगा करके तैयार कर लिया है। तो आपको पहले से ये काम कर लेना है। तो यहाँ हम सारा आम को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। हमेशा पका आम का पापड़ हम बनाते हैं, लेकिन कच्चे आम का भी काफ़ी टेस्टी बनता है, और इसका जो स्वाद है ना काफ़ी चटपटा होता है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ मैंने सारा आम को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, फैला देंगे पूरे थाली में, देखिए इस तरह से। इसके बाद इसको हम एक दिन के लिए धूप में अच्छे से सुखा देंगे। ये अच्छे से सूखना चाहिए, अगर आपको स्टोर करना है तो आपको अच्छे से सुखा करके रखना होगा ताकि ये ख़राब ना हो। तो हम इसको सूखने देते हैं। यहाँ देखिए मैंने पूरे एक दिन के लिए धूप में इसको सुखा लिया, और काफ़ी बढ़िया से सूख चुका है, काफ़ी अच्छे तरीके से, जैसे कि सूखना चाहिए वैसे काफ़ी अच्छे से सूख चुका है। और यहाँ देखिए कितनी आसानी से ये थाली में से निकल भी रहा है। जब ये अच्छे से सूख जाएगा ना तो बहुत ही आराम से निकल जाएगा। और आप पहले से इसमें घी लगा कर जब जब डालेंगे ना घी लगा करके, तो ये काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। और देखिए कितना मज़ेदार यहाँ पर हमारा आम पापड़ बना है, आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से ये थाली में से निकल गया है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही फोल्ड करके रख सकते हैं, या फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। वैसे भी ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो आपको स्टोर करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना टेस्टी होता है ना ये, आपको 2 दिन में ही ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा बना करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। इसके बाद आप चाहे तो इसको रोल करके रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी इसको देखिए इस तरह से भी काट करके रख सकते हैं। तो जैसे मर्जी इसको स्टोर कीजिए, या फिर खाइए तुरंत बना करके, आप जैसे चाहे इसको बना करके एंजॉय कर सकते हैं। और ख़ास करके ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।